नमस्कार दोस्तों, मैं बिजनेस से निखिल मित्तल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ ग्राम प्रधान जी आज मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्रधान जी के विचार। शायद ने अच्छे वोटों से आपकी जीत कराई है अपने अपने भारी बहुमूल्य वोट देकर, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो कि उन्होंने नवनिर्वाचित नए प्रधान को चुना है, युवा प्रधान को चुना है, और मैं उन जनता की भावनाओं पर खरा उतरूंगा। उनके जो काम है उन बताए हैं, मैं घूमा हूं। हम काम को नजदीकी से देखते हुए सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ उनके काम करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। सर, कामों की अगर बात करी जाए तो 5 सालों में आप यहाँ पे क्या बदलाव लाने वाले हैं, और जो आपका विकास के क्षेत्र में सारे सारे काम रहेंगे जो आपने सोच रखे हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो? सबसे पहला काम होगा गाँव में पानी की समस्या। पानी की समस्या का निदान मेरी पहली प्राथमिकता होगी, और इसके बाद में जो छोटे मोटे काम है जैसे आरओ की व्यवस्था, नालों की सफाई, खंजरे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, लाइट डेकोरेशन की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था और तालाब की व्यवस्था, ये अनेक काम हैं जो ग्राम पंचायत के स्तर पर होते हैं। सभी कामों को मैं पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करूँ। बहुत अच्छा लगा सर जानकर कि आप अपनी समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हैं। लेकिन सर, ये सारे काम जो आपने सोच रखे हैं ये तभी संभव हो पाएंगे जब ये कोरोना काल जो अभी चल रहा है, COVID-19 हमारे साथ छोड़ेगा, तो इसके लिए आप अपने क्षेत्रवासियों को ऐसी क्या गाइडलाइन देते हैं जिससे वो लोग इस बीमारी से बच सके और स्वस्थ रहे? यही गाइडलाइन है कि मास्क लगा के बाहर निकलें, घर पे भी मास्क का प्रयोग करें, हर समय सैनिटाइज का प्रयोग करते रहें, सफाई का विशेष ध्यान रखें और 2 गज दूरी बनाए रखें। डिस्टेंस जरूरी है इसके लिए, और कोरोना को अगर भगाना है तो डिस्टेंस जरूरी है और सैनिटाइज जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। तो जैसा कि अभी आपने देखा प्रधान जी, हमारी समस्त जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पे इनके ग्राम पंचायत में समस्याएं हैं उनसे अच्छी तरह अवगत है, तो COVID-19 की भी सारी गाइडलाइंस जो है इन्होंने जारी करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।